हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये है मेरा मसूरी वाला वीडियो। तो अक्टूबर के टाइम पे हम गए थे मसूरी, मैं और मेरे फ्रेंड्स और मेरी छोटी बहन। तो हम लोग देहरादून से अपने घर से निकले थे, तो 30-35 किलोमीटर्स अप्रोक्स था। तो हम लोग स्कूटी से ही गए थे, मैं और मेरी छोटी बहन हम पहले निकल गए थे। तो ये अभी मेरे फ्रेंड्स तो आएंगे थोड़ी देर बाद, अभी वो अपने काम में बिज़ी हैं अपने ऑफिस में। तो मैं और मेरी छोटी बहन 1 बजे से पहले निकल गए थे घर से, वो आराम से आएंगे अपना 2 बजे के बाद। तो हम पहले निकल गए ताकि हम मैगी पॉइंट पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, आराम से बैठ लें। और अब यहाँ पे ये है देहरादून जू का रास्ता आने वाला है, जिसका पहले नाम था मालसी डियर पार्क। अब काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी कुछ है यहाँ देखने लायक। तो आप कभी देहरादून आए तो यहाँ ज़रूर जाएँ। और फिर यहाँ से आगे फिर ये मतलब काफ़ी अच्छी जगह है, मुझे तो काफ़ी पसंद है ये, हल्का सा हिली एरिया सा लगता है। तो रास्ता काफ़ी अच्छा है मसूरी जाने के लिए, मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली। और मैं और मेरी छोटी बहन जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता चल रहा है स्कूटी में। तो मुझे हो गया है 15 साल देहरादून में रहते हुए, लेकिन अब देहरादून में रहने का नुकसान एक ये भी है कि हम लोग मसूरी जाते हैं सुबह और शाम को वापस आ जाते हैं, नाइट स्टे कभी करते ही नहीं। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं ज़रूर नाइट स्टे करूँगी, और मेरे दोस्त लोग सब तैयार हो गए, तो काफ़ी अच्छा प्लान था हमारा। तो हम मैगी पॉइंट पहुँच गए, तो शिवालिक नाम से था ये रेस्टोरेंट, हम वहाँ पर बैठे, ज़रा हमने स्नैक्स वगैरह लिए और चाय वगैरह पी थी आराम से मैं और मेरी छोटी बहन ने। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि क्या पता मेरे फ्रेंड्स आ जाएं जल्दी से, लेकिन फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा उन्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम निकल गए यहाँ से ताकि हम होटल में पहले चेक इन कर लें। और हाँ, हमने होटल बुक करा था, होटल विंटरलैंड, जो कि भट्टा गांव के पास में है। तो जो भट्टा फॉल है काफ़ी फेमस है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, लोग वहाँ काफ़ी जाते हैं मसूरी से। वो थोड़ा मतलब 2-3 किलोमीटर या लगभग, हाँ 2-3 किलोमीटर लगभग पहले है या 5 किलोमीटर, मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर है पहले ही पड़ता है। तो उस तरफ ही हमारा होटल था, तो ये रास्ते में हम दोनों रुक रुक के व्यूज़ वगैरह कैप्चर कर ही रहे थे। और ये मसूरी भी दिखने लगा है यहाँ से, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। हाँ, तो घर दिख रहे हो वाइट वाइट, और जंगल दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है इन ऑल। और ये मसूरी से आके आसपास का व्यू है, पहाड़ वगैरह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देहरादून से एकदम यहाँ पे आके ऐसे लगता है कि वाओ हम कहाँ आ गए। और वैसे मेरे गांव वगैरह के पहाड़ भी काफ़ी सुंदर है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अक्टूबर का मंथ है, तो ना गर्मी है ना सर्दी है, काफ़ी अच्छा मौसम है। और ये हम पहुँच गए थे अपने होटल में, होटल विंटरलैंड। तो मैं जल्दी से अपनी बालकनी में चली गई थी और मैं जरा व्यू ले रही थी, और साथ में अपना व्यू ज़्यादा ही ले लिया है मैंने। और यह मेरे फ्रेंड्स लोग भी पहुंच गए थे, और पहुंचने के बाद फिर थोड़ा हमने रेस्ट करा और कॉफ़ी वगैरह पी थी। फिर मेरे फ्रेंड्स लोग पहुंचे, तो फिर अब हम जा रहे हैं मसूरी की तरफ। तो 4:30 बज चुके थे, यस। और हम निकल रहे हैं अभी, मेरी छोटी बहन दिख रही हो आगे। तो ये होटल विंटरलैंड है, आप यहाँ ज़रूर आइएगा, काफ़ी अच्छा होटल है और प्राइस वगैरह भी काफ़ी रीज़नेबल है, खाना भी काफ़ी अच्छा है, और टेरेस व्यू भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और ये है कितना सुंदर लग रहा है सच में, मौसम भी बहुत अच्छा था, और हमारे लिए सरप्राइज या शौक है आगे, तो बाद में बताऊँगी। ये पेड़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा है ज़रा यहाँ पे भी थोड़ा कैप्चर कर लूँ। और अब हम पहुँच गए मसूरी। तो ये है हमारा पार्किंग, तो लाइब्रेरी चौक कहते हैं इसे। तो यहाँ से काफ़ी अलग अलग रास्ते हैं, यहाँ से कंपनी गार्डन का भी रास्ता है, और अलग अलग जगह गांव वगैरह लोकल जो विलेजेस हैं उनके भी रास्ते। और हम मस्ती करने गए थे मसूरी, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह कैप्चर नहीं की, जब बाद में आराम से मज़े कर लिए, थोड़ा रेस्ट करा, उसके बाद मैंने व्यू लिया है। तो ये नीचे की तरफ का व्यू है, मतलब देहरादून की साइड का, हम अभी ऊपर मसूरी में हैं। और हमारे साथ, हाँ, शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि उस दिन वहाँ का मार्केट बंद था, तो सुबह से खुला नहीं था, वो आराम से अभी शाम को खुला, वो भी काफ़ी कम शॉप्स वगैरह खुली थी। खैर कोई बात नहीं, हम लोग शॉपिंग के लिए तो आए नहीं थे, हम बस घूमने आए थे कि हम मसूरी नाइट स्टे करना कैसा लगता है। और ये दिख रहा है कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा नाइट व्यू मसूरी का। तो ये मसूरी में ही जो हिल्स वगैरह, जो मसूरी हिल है ऑफकोर्स,
तो वहाँ पे जो मतलब लोगों के घर हैं, तो जो भी लोकल लोग रहते हैं, ये इस तरह से ये दिख रहा है दूर से। और अब हम होटल पहुँच चुके हैं, तो यहाँ डीजे वगैरह लगा हुआ है, गाने लगे हुए। इस होटल की एक खास बात ये थी कि यहाँ से मसूरी का व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा है, जैसे आप देख सकते हैं सामने। और हाँ, जो रात को यहाँ पे मतलब सुबह ये 24/7 खुला रहता है, और यहाँ पे रात को ऑर्केस्ट्रा वगैरह के भी अरेंजमेंट वगैरह होती है, और मतलब नाइट पार्टीज के लिए काफ़ी अच्छा है ये। अब हम आ गए अपने रूम पे, तो काफ़ी लाउड म्यूज़िक लगाया हुआ है, और अब मैं जा रही हूँ बालकनी में देखने के लिए कि बाहर कैसा व्यू है। तो यहाँ से दिख रहा है मसूरी एकदम क्रिस्टल क्लियर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जगमगा रहा है पहाड़। तो मुझे अपने गांव की तो क्या बोलूँ, गांव में इतने सारे तो घर होते हैं, इतने चमकीले से ऐसे दिखते नहीं हैं, बट हाँ जब भी मैं जाती हूँ, जैसे हमारे वहाँ से गोपेश्वर जोशीमठ जो है, वहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है, क्योंकि वो थोड़ा टाउन टाइप एरिया है, तो वैसी मसूरी भी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ब्यूटीफुल, यही देखने आई थी मैं नाइट स्टे के लिए। और अब हो गई है सुबह, तो सुबह हम उठ गए थे काफ़ी जल्दी 6 बजे ही, क्योंकि जाना था वापस देहरादून, सबके अपने अपने काम थे, किसी का ऑफिस जाना था, किसी का कुछ, तो हम 4 लोग थे, मेरी फ्रेंड बबीता, मेरी फ्रेंड सोनम और मेरी छोटी बहन नीलम। तो ये सुबह का मॉर्निंग व्यू है, मतलब ये बज रहे होंगे 7 बजे, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। तो मैं दोबारा ज़रूर जाऊँगी यहाँ पे नेक्स्ट टाइम या उसके नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं फिर से नाइट स्टे के लिए यहीं जाऊंगी अपने दोस्तों के साथ। ये हमने आपस में प्रॉमिस करा है हम फ्रेंड्स ने। और सुबह का काफ़ी अच्छा व्यू है, अभी हमें यहाँ से चेकआउट करना है, तो अब हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ से जाने की। तो मेरी छोटी बहन और मेरा प्लान है कि हम रास्ते में रुक के, वही मैगी पॉइंट पर रुक के आराम से ब्रेकफास्ट करके तब जाएंगे देहरादून। तो मेरे फ्रेंड्स तो निकल रहे थे यहाँ पे, उन्हें जल्दी जाना था तो वो निकल गए थे, और मेरी और छोटी बहन और मैं आराम से गए मैगी पॉइंट पे, आराम से हमने चाय नाश्ता करा, और उसके बाद हम पहुँचे ये अभी, हाँ वही रास्ता है मसूरी से मैगी पॉइंट तक का। और हमने जब हम मसूरी से नीचे उतर गए थे, तो हमने जो रास्ता पकड़ा वो राजपुर विलेज वाला रास्ता था, तो काफ़ी सुंदर रास्ता है वो, और ट्रैफिक भी कम रहता है वहाँ पर, जहाँ पे मसूरी डाइवर्जन है एक प्लेस, तो वहाँ पे से कटती है 2 रास्ते, तो एक जो मानसी डियर पार्क जो अब देहरादून जू नाम से उस रास्ते जाती है, जो दूसरा रास्ता है वो राजपुर विलेज के रास्ते जाते, तो काफ़ी सुंदर रास्ता था ये। और इस तरफ हाँ तिब्बतियों का भी स्पेस है, तो उनके झंडे वगैरह दिख जाते हैं इधर। और इसी रास्ते पे पड़ता है साई मंदिर, वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग जाते हैं, और फ्राइडे थर्सडे को वहाँ पे भंडारा वगैरह भी लगता है, और ये रास्ता मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस रास्ते रास्ते की फुटेज है। हाँ, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, तो वो मैं दोबारा से गई थी दिसंबर एंड में, तो काफ़ी अच्छा था, उस टाइम विंटर कार्निवल लगा था, तो उसके भी कुछ फुटेज वगैरह है, वो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें शेयर कर लूँगी आप लोगों के साथ। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसमें नहीं जोड़ी उसे। और अब हम पहुँच गए देहरादून, तो ये राजपुर रोड ही कहते हैं इसे, तो यहाँ बस वगैरह लगी है, सब जा रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है, मतलब अप्रॉक्स 8 या 8:30 अप्रॉक्स हो चुका था। तो ये है देहरादून का रास्ता, घर की ओर जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है। मैं बहुत मिस करती हूँ देहरादून को, क्योंकि दिसंबर से मैं दिल्ली आ गई थी, और अब देहरादून रेयरली जाना होता है, और लास्ट टाइम गई थी मैं फेब में गई थी, तो उसके बाद अब जैसे कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो इसलिए हम जा नहीं सकते, जा सकते हैं लेकिन मैं फ़िलहाल जाना नहीं चाहती, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, ना मुझे ना मेरी वजह से किसी और को।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ टेक केयर। इस कोरोना पैंडेमिक में सबको अपना ध्यान रखना है, आप भी सुरक्षित रहें, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें और मैं भी सुरक्षित हूँ यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। तो उनका घर कैसा है, मतलब वहाँ बड़ा घर है?